तो टीम अल्ट्रा हमेशा की तरह दोबारा मैं एक्सपोज करने लगा हूँ इस खुसरी को। तो गाइस जब इस बंदे को मैंने पिछली वीडियो में एक्सपोज किया तो इसकी वीडियो पर इतने डिसलाइक आ गए कि इसने बाद में हाइड कर लिए, और जाकर कमेंट्स पढ़े सारे के सारे कमेंट्स मेरी सपोर्ट में है। और अब आप लोग मुझसे ना पूछना कि मैं अपने लाइक्स एंड डिसलाइक रेशियो क्यों हाइड करता हूँ। मैंने इसकी रीजन पहले ही इस वीडियो में बता दी हुई है, और आप मेरे सेकंड चैनल की पिछली सारी वीडियोस के देखिए, लाइक्स ज्यादा हैं डिसलाइक से। ये वीडियो चेक करें। तो इस खुसरी ने एक और एक्सपोज वीडियो बनाई है, बहुत ही वीक, और इसको बेचारे को हफ्ता लग गया है एक्सपोज वीडियो बनाने में। फेक स्क्रीनशॉट कटे किए हैं, फेक वॉइस मैसेजेस मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको वहां हेट कर रही है। तो मैं इसको एक्सपोज करूंगा कि कितना झूठ बोल रहा है और ये कितनी बकवास कर रहा है। तो टीम अल्ट्रा वीडियो जरूर एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं अल्ट्रा एक्सपोज इस सुपर खुसरे को। चलो आओ, आज लोगों से पूछते हैं कि मैं शक्ल से नशेली लगता हूँ या नहीं। ओ भाई मुझे मारो, बेचारा इतना बुरा एक्सपोज हुआ है कि ये नौबत आ गई है कि ये वीडियो में ऐसी हरकतें कर रहा है। अबे जाहिल, जब एलएमपी ने मेरे पे इल्जाम लगाया था ना कि मैं चर्सी हूँ, मैं आइस पीता हूँ, तो बेटा मैंने ओरिजिनल सर्टिफाइड कंपनी से टेस्ट कराया था, ब्लड टेस्ट, और सारा का सारा जो टेस्ट था वो नेगेटिव था। अगर तू सच्चा होता ना तो तू मेरी तरह टेस्ट करवाता, इतना भोंगता ना। और आंखों के नीचे आई बैग्स किस वजह से आते हैं? नशे करने की वजह से या किस वजह से? तेरी आंखों में सिर्फ आई बैग्स नहीं, तेरी आंखें रेड भी होती हैं वीडियोस में जब तू चर्स पी रहा होता है। ये देखें गाइस, इसकी आंखें चेक करें, सिर्फ इसकी आई बैग्स नहीं, इसकी बहुत सी चीजें हैं जो नजर आ रही होती हैं। बाकी सबको पता है यार चर्सी है यार, ये टेस्ट कराएगा इसके, देखना टेस्ट में पॉजिटिव आएगा। कि वो प्रैंक शाहमी ने खुद एडिट किया था और इसी ने बाप लोगों को दिखा रहे जी देखो ये फेक है। कि भाई मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में, उसी प्रैंक के डिस्क्रिप्शन में इतना बड़ा करके लिखा हुआ है कि अलर्ट, दिस प्रैंक इज प्लान्ड। कितना झूठ बोलेगा तू? मेरे पास आया था, तूने कहा शामी भाई वीडियो एडिट कर दो, मेरे पास कंप्यूटर तक नहीं है एडिटिंग के लिए, तो उसने मुझे अपने स्क्रिप्टेड प्रैंक्स की रॉ फाइल दी, और उस वक्त इसके प्रैंक की डिस्क्रिप्शन ये नहीं थी, उस वक्त ये थी। इसका जब मैंने ये प्रैंक एक्सपोज किया तो इसने डिस्क्रिप्शन फौरन चेंज कर ली अपना स्क्रिप्टेड प्रैंक कवर अप करने के लिए, लेकिन मैंने ये पहले स्क्रीनशॉट ले लिया पुराने वाला। बाकी जो गाइस मैंने इसको एक्सपोज किया था कि इसने स्क्रिप्टेड गोल्ड डिगर प्रैंक किया है टिकटॉकर के साथ, जब मैंने इसको एक्सपोज किया था कि यही सेम लड़की क्रेजी प्रैंक टीवी का जो दूसरा चैनल है, क्रेजी फूड चैलेंज वाला जो चैनल है यूट्यूब का, उसमें यही सेम लड़की चैलेंज कर रही है। तो इसने क्या किया, फौरन उस लड़की का यूट्यूब पे जाके इसका फेस ब्लर कर दिया ताकि पता ना चले, लेकिन इतना बेवकूफ है ये इसका थंबनेल ही चेंज करना भूल गया। और सबसे मजे की बात, इसको वो लड़की प्रोवाइड करने वाला कौन था? नकली डीन, जो मास्टर है फेक प्रैंक्स करने में। दूसरा को पता है ये लड़कियों की इज्जत नहीं करता, तो उसका एक प्रैंक था वो भी फेक ही था, और उसके एंड पे देखे ये लड़की को क्या कह रहा है गोल्ड डिगर प्रैंक में। लीव दिस कार्ड, फक ऑफ, फक ऑफ बिच, वी हैड गोल्ड डिगर। यहां पे तो ये लड़कियों को सिर्फ फिंगर दिखा रहा है, वैसे ये लड़कियों को गंदी गंदी गालियां देता है मुंह पे। तो गाइस अब इसकी जो न्यू वीडियो लीक हुई है, इसने फिर से मुझ पे इल्जाम लगा दिया है विदाउट एनी प्रूफ। टू प्रूफ दे नहीं रहा, प्रूफ लेके आ। बेटा तू सिर्फ भोंगता है अपनी सारी वीडियोस में, लेकिन प्रूफ कोई नहीं देता, एविडेंस नहीं देता। मैं तुझे हमेशा सॉलिड एविडेंस देता हूँ हर बात का, और हाँ अब मैं तुझे एविडेंस देता हूँ कि ये वाली तूने वीडियो कैसे ली, तो सुन मेरा बच्चा। तो बेटा जब मैं तुझे एलएमबी की एक्सपोज वीडियो में रोल रहा था, तो तूने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे तंग आके कि मेरे पास तेरी ऐसी वीडियो है जो अगर मैं लीक करूं कि बाद में तू ये भी नहीं कह पाएगा कि ये प्रैंक था या नहीं, और वीडियो बिल्कुल वैसी ही थी। और हाँ सुपर खुसरी, दूसरा एविडेंस सुन। जो तूने न्यू किसिंग वाली वीडियो लीक की है उसके एंड में एक साउंड इफेक्ट आता है। आइंदा ना करना, आइंदा ना करना, मैं बगैर यही सेम इफेक्ट तेरी इस लेटेस्ट वीडियो में भी है। वीडियोस में आने से जिससे 100% साबित होता है कि मेरी लेटेस्ट जो किसिंग वीडियो है वो भी तूने लीक की है और तूने खुद ही एडिट की है। अब तीसरा एविडेंस सुन। पिछली वीडियो दी, सबसे पहले वाली वीडियो जो मेरी लीक हुई थी, वो तूने अपने प्रैंक वाले फ्रेंड से कराई DCIM फोल्डर से कॉपी करके, और हाँ लोग सोच रहे होंगे दूसरी वाली वीडियो तेरे पास कैसे आई। तेरे साथ में व्हाट्सएप पे वीडियो चैट कर रहा था और ये लड़की भी साथ थी, किस कर रही थी, तूने एम वक्त पे तेरे दोस्त ने फौरन तेरे मोबाइल की वीडियो बना ली जब मैंने उसको किस किया, और वो तूने वीडियो लीक कर दी। तेरे साथ उस वक्त तेरा फ्रेंड भी था और उसने वीडियो बना ली फौरन। तेरी शुरू से ही घटिया नीयत थी कि मैं कुछ ना कुछ इसकी प्राइवेट चीज रखूं ताकि इन फ्यूचर में इसका करियर तबाह कर सकूं। तू इतना खुश रहे? हाँ खुश रहे, मिल गया एविडेंस, फट गई। बेसिकली हम लोगों ने जाना था इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में शामिर भाई की रहती है गर्लफ्रेंड, और इन भाई साहब ने उसके साथ करना था जंगल में मंगल। इसी वजह से शामिर साहब ने जो ना मुझे कॉन्टेक्ट किया था, जवाब मैंने उसको वॉइस नोट भेजा था कि तुम यहाँ कर सकते हो, वहाँ कर सकते हो, इधर कर सकते हो। भाई एविडेंस दे, स्क्रीनशॉट दिखा जहाँ पे मैं तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने लड़की के साथ गंदा काम करना है और मुझे जगह चाहिए। ये चीज तो तू मुझे कहता था कि मुझे जगह चाहिए, मुझे तेरा फ्लैट चाहिए गंदे काम के लिए, और मैं
कहता था भाई तू फ्लैट में गन डालता है, मैं तुझे अपना फ्लैट इस चीज के लिए नहीं दे सकता, लेकिन तूने क्या किया बगैर मौजूदगी में फायदा उठा के ये गंदे काम किए मेरे स्टूडियो में। और गाइस एक और बात सुने, कौन दोस्त अपनी खाला की जगह पे अपने खाला के घर में सेक्स के लिए जगह देता है अपने दोस्त को? इसका कहने का ये मतलब था कि मेरे पास बच्ची है, मैं उधर काम करूंगा गंदे, तो तू भी इसके साथ कर सकता है। सारा खाली है, छत पे लेके चोट जा उसको, छत पे चोट दे, कोई नहीं देखेगा, स्नूकर टेबल के अंदर है, स्नूकर टेबल के ऊपर रख के छोड़ दी, बड़ा मजा आएगा तुझे। इसकी जो असल अप्रोच थी ना वो ये थी कि ये मेरी वीडियो बनाएगा उस लड़की के साथ, में लीक कर देगा लख दी। आज मैं आप लोगों को शमीर की असलियत दिखाता हूँ कि अपने स्टूडियो में क्या क्या करता है, इधर आप स्क्रीनशॉट देखें। ओए होए, ये खुसरा इतना बुरा एक्सपोज हुआ है कि इसके पास कुछ है ही नहीं, तो फेक स्क्रीनशॉट बनाकर मुझे फंसाना चाह रहा है। तो गाइस अगर ये इतना ही सच्चा है कि ये अगर ये स्क्रीनशॉट रियल है, तो बेटा मेरी व्हाट्सएप पर जा और यही सेम मैसेज की स्क्रीन रिकॉर्ड कर जैसे मैं दिखा रहा हूँ अभी, और अगर इस तरह से आगे ना स्क्रीनशॉट मैसेज तो मैं अपना पूरा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा। और गाइस स्क्रीनशॉट इसलिए भी फेक है कि आप सुपर खुसरे की मैसेज के ऊपर जो ग्रीन बबल है उसकी एज को देखें, कॉर्नर से ब्लड हुई हुई है, थोड़ी सी कॉर्नर ब्लड हुई है क्योंकि इसने फोटोशॉप से क्रॉप करके एडिट की हुई है, तो ये भी चीज की पकड़ेगी क्योंकि जो ओरिजिनल स्क्रीनशॉट होता है ना व्हाट्सएप का, उसकी छोटी सी निशानी दिखाता हूँ आपको, कंपेयर करके दिखाता हूँ एक फेक स्क्रीनशॉट और एक ओरिजिनल स्क्रीनशॉट। जिसकी मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ उसके स्क्रीनशॉट के बबल की एज देखें आप कितनी शार्प है, यहाँ पे कोई ब्लड नहीं है क्योंकि ये क्रॉप नहीं हुआ हुआ, इसने ये चीज क्रॉप करके खुद लगाई है। यहाँ से साबित होता है कि ये फेक है स्क्रीनशॉट और ये इसने खुद एडिट किया हुआ है। एक और बात, जो बंदा मेरे व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैंने लड़कियों को बुलाना तेरे फ्लैट में सेक्स के लिए, फिर कभी कहता है कि तू मेरी खाला की जगह पे गंदे काम कर लड़कियों के साथ मेरी फ्रेंड्स के साथ, और ये इस फेक स्क्रीनशॉट में डाल ये रहा है कि आई एम बिजी ब्रो, मैं ऐसे काम नहीं करता। ओए यार, मतलब यार तूने अगर फेक स्क्रीनशॉट बनाने थे तो कम से कम बात तो ऐसी बनाता ना कि वाकई लगे कि यार रियल है ये। इसकी बात सुनो, जो बंदा ऐसी मुझे बातें करता है व्हाट्सएप पे वो अब एकदम से इतना शरीफ हो गया है, क्यों? क्योंकि स्क्रीनशॉट ही फेक है लख दी। अरे तू फिर एक्सपोज हो गया। तो गाइस इसने काफी मेरी पर्सनल चीजें लीक की हैं, तो कुछ मैं भी इसकी पर्सनल चीजें दिखा देता हूँ। तो ये बंदा जो है, खुसरा, तो ये खुसरा जो है ये बायसेक्सुअल है, मींस के लड़कों और लड़कियों दोनों को पसंद करता है, उनके साथ काम करता है दोनों के साथ। जब इसके पास पैसे ना हो तो ये अपना सेफ सेक्रीफाइस करता है रिच बॉयज के लिए, रिच बॉयज के पैसे खाता है। ये हल्का सा ग्लिम्स है, ये गाड़ी में बैठा हुआ था, इसका रेट लग रहा था, ये आप देख सकते हैं। कुछ भी नहीं है अभी जानो, बहुत कुछ होगा आगे। ओह माय गॉड फिजान, गो डीपर। ओह माय गॉड, तुम्हारा वो भी हिलता हुआ नजर आता है, अल्लाह, गो डीपर। मुझे बहुत बहुत मजा आएगा। इसकी मास्टरबेशन वाली वीडियो पड़ी है, लड़की के साथ वीडियो चैट में मास्टरबेट कर रही है, लेकिन मैं वीडियो लीक नहीं करूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है रमजान है, तो मैं इतनी गंदी चीज लीक नहीं करना चाहता। अगर ये बाज ना आया झूठ बकवास करने से तो वो वीडियो भी लीक होगी। तो गाइस ये वीडियो जो है जिसमें मैं गालियां दे रहा था, ये वो वीडियो शमीर ही बना रहा था। ईद की वीडियो है, शमीर के साथ मेरी पिक्चर, ये मैंने काली शरवाग में पहनी हुई है, ये हम बैठे हुए हैं। अब तीसरी आप ये वीडियो देखें जिसमें हम लोग डांस कर रहे हैं, ये वही जगह है, और इसी दिन इसी रात को जो है ना वो गालियों वाली वीडियो रिकॉर्ड हुई। ये बंदा मेरे स्टूडियो आया दोपहर को या सुबह को, इसके पास चाबी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरी चाबी इसके पास थी डुप्लीकेट। जब मैं अपने घर सो रहा था इसने मेरी बगैर मौजूदगी में सुबह आकर मेरे स्टूडियो घटिया वीडियोस बनाई, उसके बाद जब मैं रात को आया स्टूडियो में फिर हमने रात को म्यूजिक के साथ चिल किया, ये वीडियो आप देख रहे हैं, और फिर हम सारे बाहर चले गए घूमने फिरने, ये है उसका कंप्लीट एविडेंस। तो गाइस इसकी काली शलवार कमीज वाली जो गालियों की वीडियो है आप देख रहे हैं, इस वक्त जो दरवाजा उसकी आप देखें एक रिफ्लेक्शन आ रही है बाहर, दोपहर की रिफ्लेक्शन आ रही है लाइट की आप देख रहे हैं, और जो दूसरी वाली जो वीडियो आपको दिखा रहा है ये रात की वीडियो है। तो ये सुबह का आया हुआ था, सुबह इसने गंदगी की है, बाद में ये मेरे साथ रात को जगह जगह फिर रहा है, लेकिन मेरी बगैर मौजूदगी में गंद मारता रहा स्टूडियो में, ये वही जगह है, और इसी दिन इसी रात ही रात को जो है ना वो गालियों वाली वीडियो रिकॉर्ड हुई। निकाल के रखो, 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 निकाल के रखो,
निकाल के रखो। नहीं मैं खुश रही हूँ। असल में है ये लेमन माल्ट और ये बन गई हमारी बियर। ओए मुझे मारो। इतना सस्ता झूठ। हम लोग एक शूट कर रहे थे शॉर्ट फिल्म जिसमें मैं बना हुआ था एक शराबी। तो ये सारी जो बियर्स वगैरह थी ये लेके आनी थी हमने, लेकिन बियर के जो कैन थे वो खाली थे, उसके अंदर हमने डाली थी लेमन मार्ट। अगर तू सच्चा है तो अल्कोहल टेस्ट करवा। और दूसरी बात, जब मैंने इसकी ये बियर वाली वीडियोस को व्हाट्सएप पर भेजी तो तब ये मेरी मिन्नत करा कि शामी वो ये वीडियो लीक ना करना, प्लीज ये वीडियो लीक ना हो, मेरे घर मसला हो जाएगा। तो गाइस अगर इतना ही सच्चा होता कि इसने बियर नहीं पी तो ये मुझे व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन में यही कहता ना कि वीडियो लीक कर दे, मुझे मसला नहीं है, लेमन मारती। लेकिन इसने ये बात व्हाट्सएप पे नहीं की क्योंकि इसने सारी फेक स्टोरी बनाई है और ये दोबारा झूठा पड़ गया। अच्छा गाइस एक बात क्लियर कर दूं, मेरे सारे जो अपने जो मैंने दिखाए हैं आपको इसके अगेंस्ट, जो स्क्रीनशॉट दिखाए हैं व्हाट्सएप के, ये सारे के सारे रियल है 100%, इसकी तरह फेक नहीं है। अब ये करेगा नेक्स्ट स्क्रीनशॉट बनाएगा मेरे खिलाफ, उसकी करेक्शन करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने से रिक्वेस्ट करनी है कि स्क्रीन रिकॉर्ड करके कन्वर्सेशन दिखा और फिर नंबर भी दिखा कि वही है या नहीं। तूने पहले मिनते कर करके चूस चूस के लॉरीफाइड वालों से 20,000 अपने सब्सक्राइबर्स कराए, मेरे पास एविडेंस पड़ा है। फिर उन्होंने जब तुझे जूते मार मार कर निकाला, फिर तूने उनके खिलाफ एक वीडियो बना दी, फिर तूने फहद डीन को अपना अबू बना लिया। उससे तूने अपने कराए 35K सब्सक्राइबर्स, लेकिन तू उसकी हेल्प से 100K सब्सक्राइबर्स नहीं क्रॉस कर पाया। फिर तूने अपने अब्बू शामीर को अप्रोच किया, उसके उठाए, उसके चूसे, उसके 10 घंटे सक किए, फिर जाके तेरे हो गए 100K सब्सक्राइबर्स। और आहिस्ता आहिस्ता तू अपनी औकात भूल गया, ये है तेरी औकात। मैंने इसकी बहन को कुछ बोला नहीं और अब ये मेरी बहन तक पहुंच गई। मसला मेरे साथ है, तुम मुझसे बात कर। बेटा ये तू बात ही ना कर, तुझे मैं हमेशा कहता हूँ मुझे अकेला मिल और मुझसे लड़, तेरी वहीं पे फट जाती है। तेरा कद मेरे टेस्टिकल्स के करीब आता है, तेरे जैसों का मुंह मैं दस्ती तोड़ सकता हूँ विदाउट एनी स्ट्रगल। और तू वही खुसरा जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स को फेक आईडी से ब्लैकमेल करता था, और तू कह रहा कि मैं तेरी बहन को इन्वॉल्व ना करूं। यार तू तो वही खुसरा जिसके पास लड़की वैलेंटाइंस डे वाले दिन ना हो, तो तू क्या करता है अपनी बहन के साथ डांस करता है। तू तो अपनी बहन के साथ डांस करके मशहूर कर रहा होता है, शर्म कर यार। तो क्या इस वीडियो जरूर देखें, इस वीडियो में अपनी सिस्टर के साथ डांस कर। और ये वीडियो अपने व्हाट्सएप के दोस्तों को ऐसे शो करा रहा है जैसे कि ये कोई और लड़की है, शर्म कर ले भाई। चरस ये पीता है, ये टेस्ट तेरे अबू के यहाँ क्या? शराब ये पीता है। ओ भाई एविडेंस दे। आइस ये खुद करता है। भौंकना एविडेंस दे। बाकी ये सुपर खुसरा बड़ा एक्सपोज कर रहा है कि मैं फेक प्रैंक्स बनाता हूँ, मैं भी पेड मॉडल यूज करता हूँ। और जाहिल के बच्चे, मैं मॉडल जो यूज कर रहा हूँ ना, अगर पेड मॉडल यूज कर रहा हूँ तो वो अपने प्रैंक में मैं इस तरह यूज कर रहा हूँ कि वो जो लड़की है मेरे साथ मिलके पब्लिक को प्रैंक कर रही है। तो लड़की के साथ प्रैंक करना और लड़की के साथ मिलके प्रैंक करना, जमीन आसमान का फर्क है खुसरे। और ये एक प्रैंक बड़ा एक्सपोज कर रहा है जो मैंने यूट्यूब में अपलोड ही नहीं किया, और इस प्रैंक का डिस्क्रिप्शन पर क्या है, गोल्ड डिगर प्रैंक फनी कॉन्सेप्ट वीडियो। दूसरी बात, ये 2 साल पुरानी वीडियो जो डक्की शाम जी की जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी दूसरे टाइम, जो हमारी वीडियो उन्होंने एक्सपोज की थी कि हम फेक प्रैंक बना रहे हैं, कि शाम जी से मैंने फेक प्रैंक्स बनाए हैं। तो पहले ये भी बात क्लियर कर दूं कि ये प्रैंक है ही नहीं। मुझे बताओ इस वीडियो में, शाम और मेरी जो वीडियो है सरप्राइजिंग हिटर्स वाली, इस वीडियो पे कहां पर लिखा कि ये प्रैंक है? सरप्राइज करने में और प्रैंक करने में जमीन आसमान का फर्क है। और आप चेक भी कर सकते हैं शाम जी की, आप डिस्क्रिप्शन पढ़े, इसमें डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। दूसरा आप मेरी भी डिस्क्रिप्शन में पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है जहां पे मैंने कहा हो कि ये प्रैंक है। तो टीम अल्ट्रा, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमेशा की तरह सुपर खुसरा की लेटेस्ट एक्सपोज वीडियो को जाकर डिसलाइक करें और उसको दिखाएं कि टीम अल्ट्रा की पावर क्या है। बाप से पंगा नॉट चंगा निगल।